कठल करके एक मूवी है नेटफ्लिक्स पर जो कि ट्रेंडिंग कर रही है, तो चलो उसके बारे में थोड़ी बात कर लेता है। यहाँ पर स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक पॉलिटिशियन के घर पर दो बड़े कठल यानी कि जैक फ्रूट चोरी हो जाता है। पुलिस ऑफिसर्स की बात करें तो यहाँ पर एक महिमा बसोर है जो कि एक इंस्पेक्टर है, एक कांस्टेबल है सौरभ, और राजपाल यादव यहाँ पर जर्नलिस्ट का रोल निभा रहे हैं। बाकी बात करें तो थोड़े बहुत पुलिस ऑफिसर्स हैं महिमा जी के साथ जो उनको सपोर्ट करते हैं। अब महिमा अपने काम से डेडिकेटेड है और क्रिमिनल्स को पकड़ती है जहां पर क्राइम एकदम नॉर्मल है। अब कठल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे भी एक पॉलिटिकल खेल है जिसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ कुछ बात करें तो यहाँ पर कुछ लड़कियां गायब होती जा रही है और इसके बारे में किसी को कुछ भी खबर नहीं है। अब महिमा चाहती है कि वो ये केस सॉल्व करे, पर उसके जो सुपीरियर्स है वो उसको कठल ढूंढने में लगवा देता है। क्या महिमा कठल ढूंढने में सफल रहेगी या फिर ये क्राइम सॉल्व करने में सफल रहेगी? राजपाल यादव का जर्नलिज्म के अलावा क्या रोल है? यहाँ पर मुझे स्टोरी कुछ कुछ दहाड़ सीरीज जैसी लगी है, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और साथ साथ लड़कियां गायब होती जा रही है जिसको ढूंढना भी है। यही सब इस मूवी में भी दिखाया गया है और राजपाल यादव है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कॉमेडी देखने को मिलने वाली है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, करप्शन और थोड़ी सी कॉमेडी देखने को मिलेगी। अगर ये सब कुछ आपके जॉनर में आता है तो ये वीकेंड के लिए एकदम परफेक्ट मूवी है। ये मूवी में गाली का प्रयोग नहीं किया गया है तो इस वजह से आप अपने फैमिली के साथ ये मूवी देख सकते हो। तो चलो ये रही तो मेरा आज का रिव्यू कठल मूवी के ऊपर जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो क्या आप लोगों ने ये मूवी देखी है या नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।